पर ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बताना आप लोगों ने कमेंट्स में कि गाड़ी कैसी लग रही है। निकले फिर अब रैप को टाइम भी बड़ा लगना है, हर दफा की तरह फिर वही काम के जल्दी जल्दी में जा रहे हैं कि लेट ना हो जाए। तो निकलते हैं अब, पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं मेरे साथ। Just stop. बॉडी किट्स वगैरह की सेंडिंग हो रही है क्योंकि कल वैसे ही हमने लगवा ली थी जैसे आई थी। जो काम था आप लोगों को मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं सरप्राइज है आप लोगों के लिए उस ब्लॉग में ना, तो वो सरप्राइज ये है कि रैप करवा रहे हैं हम गाड़ी को। रैप कौन से कलर का है वो अभी आप लोगों को होगा तो पता लग जाएगा, फाइनल लुक दिखाएंगे उसमें पता चल जाएगा आपको। तो बाकी इसका काम शुरू हो चुका है, टाइम तो अभी काफ़ी लगना है, चीज़ें जो खुल रही हैं इसकी होते ही दिखाते हैं। और बॉडी में ना थोड़ी थोड़ी जगह पर जंग लगा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये इधर गया। हाँ ये जंग लगा हुआ है, ये भी है थोड़ी सी जगह में ना, जहाँ से पेंटेड है ना, शावर्ड है, तो वहाँ जंग लगा हुआ है थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो वो भी जंग भी सारा क्लियर करवाते हैं तो फिर रैप शुरू करते हैं। थोड़ी लाइफ हो उसकी, अगर ये क्लियर ना करें तो हवा भर जाती है उसके अंदर ना, तो ख़राब हो जाता है। तो ठीक है शुरू करते हैं और फिर दिखाते हैं साथ आपको। Meanwhile हाँ यार, मैंने कहा आप लोगों को दिखा ही दूँ कौन सा कलर है, इतना सस्पेंस क्यों रखना, जब बता ही दिया कि रैप करवा रहे हैं तो कलर भी दिखा ही देते हैं। ये कलर है यार, इस कलर में करवा रहे हैं। तो कलर एक सेकंड जरा, हाँ आप दिख रहा होगा वो सही, ये रेड है, मैट रेड। तो जब मैंने यारिस के लिए भी यही सोचा था, बहुत देर का मैंने एक इस कलर का रैप सोचा हुआ था, उसके बाद ना बस लेट होता गया तब से। तो मैंने जब पहले इसका सोचा था ना इस कलर का, तब किसी ने भी ये कलर नहीं था करवाया हुआ। तो अब तो काफ़ी आ गई हैं, एक तो मैंने सिटी भी देखी है काफ़ी ना, वो टिकटॉक वगैरह पर फेमस हुई है, उसने मैट रेड करवाया हुआ। अभी ये फिर रैप होता है, अभी वो सारा वो डोर एंड वगैरह साइड मिरर्स वगैरह निकाल दिए उन्होंने गाड़ी के। तो अभी तैयारियाँ ही हो रही हैं, तैयारी हो रही है अभी अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ रैप, रैप स्टार्ट होता है बताते हैं आपको भी साथ। यार अब हम लोग जा रहे हैं फिर कल की तरह नाश्ता करने, उठते तो निकल आए हैं, नाश्ता करते हैं फिर आते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है काम तब तक। A few inches later. यार सेक्सी लग रहा, आधी गाड़ी हो चुकी है तकरीबन, क्लियर हो गई सारी, वो जो उसकी सेंडिंग वगैरह होनी थी सारी हो चुकी है और रैप शुरू हो गया हुआ है, आगे बम्पर भी हो रहा है और वो साइड के तकरीबन हो गई है वो दूसरी साइड ना। उम्मीद तो है कि कोई घंटे डेढ़ में हो जाएगी सारी, अभी कोई कंफर्म नहीं, उम्मीद तो ही है कि रंग सूट करेगा। कैसा लगा?
मजेगा रिक्शा आप तो बहुत अच्छा लगेगा और वो उसके बाद वो ग्रिल है या नहीं है, उसके बाद एक छोटी मोटी चीज़ें हैं सारों को ब्लैक करना है यार। जैसे जैसे काम पास आ रहा है और रिजल्ट्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे ना फील हो ही जा रहा है हमें कि हमने अच्छा फैसला किया कि बहुत अच्छी लुक निकल रही है गाड़ी की। इतना अभी तक हुआ ना तो बहुत मज़े की लग रही गाड़ी, जो बॉडी गार्ड लगी है उस पर भी अब रैप हुआ सही, उसकी लुक कम निकली है। कल तो बहुत फर्क लग रही थी ना क्योंकि उसमें पेंट भी नहीं था और रैप वगैरह भी नहीं था, तो ऐसे इसलिए फर्क लग रही थी, लेकिन अब जो उसकी लुक निकली ना मज़े की, तो अभी वो होती है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे शायद, आप लोगों को दिख रहा हो काम चल रहा है काफ़ी स्पीड में, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं सारे फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं आपको। कोशिश तो ये है कि फुल ना रेड और ब्लैक का कंट्रास्ट करें, जो जो चीज़ें थी ना और कोई क्रोम में या जो मैट रेड में फिर रैप नहीं थी हो सकती, उनको हमने मार दिया है ये, हमने वो स्प्रे पेंट मार दिया ब्लैक, तो बाकी अब देखते हैं। ये साइड हो चुकी है और अभी वो पीछे बैक से डिगी कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरी साइड शुरू होगी। टाइम तो है भी काफ़ी, अभी छत भी ना, पहले मैं सोचा था इसको जेट ब्लैक करवाएं तो फिर ये था कि छत का क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा होता है तो शायद जेट ब्लैक का और मैट रेड का इतना ना कंट्रास्ट बने, तो इस वजह से ना मैंने अब सोचा कि वो मैट रेड ही करवा लेते हैं, अगर ना अच्छा लगा ना मज़ा आया तो थोड़ी देर बाद ना उसे फिर जेट ब्लैक करवा लेंगे। काम तो काफ़ी हो चुका है काफ़ी हद तक, कुछ चार साढ़े चार घंटे हो गए हैं हमें, इसका बस हुट रह गई है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि होनी है जेट ब्लैक वो भी करवा ली हैं, और दूसरा इसके एयर प्रेस वगैरह उतारे हैं तो उनकी डबल टेप लगी है, ये सारी अभी डिटेलिंग वगैरह होने वाली है, साफ़ होनी है सारी डबल टेप वगैरह, और अभी लोगोज भी लगने हैं, और एक ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा अभी वो भी अभी ठीक करना, तो इसके बाद सारा कुछ करवा के गाड़ी के अंदर भी हालत देख लो, ये देखो पीछे भी यही सीन है। काम होते हैं सारे तो फिर आपको दिखाते हैं साथ फाइनल लुक दिखाते हैं आपको इसकी। रैप हो चुका है कंप्लीट, लुक माल की निकली है, जो हमने सोचा था ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी लग रही गाड़ी। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, मैं कुछ पोजीशन ले लूँ। यार आप जो कंट्रास्ट है ना, बाकी तो हमने सारा तकरीबन करवा लिया है, सारी क्रोम चीज़ें थी ना हमने कोशिश की है कि जेट ब्लैक में हो जाए, कि ग्लॉस में हमने ना उसे स्प्रे पेंट कर दिया, तो बाकी जो है ना ये रिम्स हैं, रिम्स ही हल्के से जरा अभी नहीं फिलहाल ना सूट कर रहे, तो इनका भी कोई करेंगे, फिलहाल तो अभी इतना ही, इस पर भी जरा बाइक का खर्चा हो रहा काफ़ी,
जेब जरा खाली हो गई है, अभी जरा कुछ हिसाब लगाएंगे रिम्स का भी, ढूंढ रहे हैं कोई अच्छे रिम्स मिलते हैं ना, साथ ही इंशाल्लाह लगा लेंगे। झूठ बोल रहा है। हाँ यार, रैप वगैरह तो हो चुका है और जो स्प्रे पेंट वगैरह का था सारी तकरीबन हो गया हुआ है वो काम, अब रह गया उसका। मैंने कहा कि जो फ्रंट लाइट्स है ना वो देखो, वो क्रोम की फिनिश है ना उसके अंदर, तो वो मैंने कहा कि स्मोक करवा लें लाइट्स को, तो स्मोक करवा के थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा मैच करेगी ब्लैक के साथ, ब्लैक के कंट्रास्ट के साथ ना तो अच्छी लगेगी, तो वो करवा लें। हमें को टाइम तो 5-6 घंटे हो गए तकरीबन, तो वो करवा के इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। तो कोशिश तो ये करूँगा सुबह आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगा, कोई अच्छी वाली वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँगा, क्योंकि आज अभी अंधेरा हो गया, इतने को लेवल बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि अगर आज बनती है तो आज दिखा दूँगा, नहीं तो कल इंशाल्लाह।